हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज महेश फ्रॉम J05। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है ब्लू टिक के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो। सो इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा तो 10,000 फॉलोवर है, 20,000 फॉलोवर है, 50,000 फॉलोवर है तो अब मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम में ब्लू टिक मिलने के लिए फॉलोवर का कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो गाइस 2019 में रतन टाटा जी का इंस्टाग्राम अकाउंट खुला था, और उनका जब अकाउंट खुला था तो वो ऑलरेडी वेरीफाई होके ही खुला था, तो उनका 0 फॉलोअर पे ही भी ब्लू टिक था गाइस। तो जिन्होंने भी उनका इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए अप्लाई करके इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया था, तो रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन करने के बाद ही इंस्टाग्राम अकाउंट उनका ओपन हुआ था, इसलिए उनको ब्लू टिक के साथ ही उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हुआ। सो वैसे वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के लिए। सो इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक के लिए आपको कितना फेम होना चाहिए, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। आपको इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक कब मिलेगा, आप कब एलिजिबल होंगे। तो इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक उन लोग को ही मिलता है। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, क्रिकेटर हो गए, यूट्यूबर हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, या फिर कोई वेल नोन पॉलिटिशियन हो गए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो गए। काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफ़ी सारे लोग को मिलता है गाइस। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेलिब्रिटी लोग को ही मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। बट आपको काफ़ी मेहनत करना होगा इंस्टाग्राम ब्लू टिक के लिए। आपको अपना एक फेम बनाना होगा, आपको लोग जानेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा ब्लू टिक। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने बस्ती में दो जन का मर्डर कर दीजिए, बोलिए आप और बोलिए कि मेरे तो कल पेपर में फोटो आया था यार, मेरे को सब जान रहा, तो मेरे को मिलेगा क्या ब्लू टिक? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत काम करके फेमस होने से आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा, आपको अच्छा काम करके फेमस होना होगा तभी आपको ब्लू टिक मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, क्रिकेटर, यूट्यूबर और व्हाटएवर, जो भी मतलब कि एक प्रोफेशनल तो हो ही गया गाइस। तो आपको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और आपका फेम होना चाहिए। फेम इन द सेंस आपका गूगल पे नाम आना चाहिए, गूगल इमेजेस वगैरह में आपका फोटो होना चाहिए, आपका रेगुलर आर्टिकल्स वगैरह आना चाहिए, आपका न्यूज़पेपर में सारा फोटोज़ वगैरह रेगुलर आना चाहिए। तो अगर आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी बनोगे तो ही आपको जाके इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलेगा। सपोज आप एक क्रिकेटर हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, या फिर आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, अगर आप ये सब हो तो आपको इजीली मिल सकता है ब्लू टिक। बट आपको थोड़ा फेम बनाना पड़ेगा अपना, आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सक्सेसफुल होना पड़ेगा तो ही आपको ब्लू टिक मिलेगा गाइज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटी लोग को ही ब्लू टिक मिलता है, हम नॉर्मल इंसान लोगों को ब्लू टिक नहीं मिल सकता, ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको भी मिल सकता है, बट आपको अपने प्रोफेशन में एक बड़ा नाम कमाना होगा तो ही आपको जाके आगे ब्लू टिक मिल सकता है गाइज। तो ब्लू टिक मिलना ईजी भी नहीं है और एकदम इम्पॉसिबल भी नहीं है। You can also get the blue tick in your Instagram account if you do hard work and if you create a big fame. If you create your fame, everybody knows, if you have a good engagement, you are searched in Google, then only you can get the Instagram blue tick. So guys, Google पे तो मेरा भी नाम आता है, मेरा भी वेबसाइट आता है Google में, Google इमेजिन मेरा फोटो भी आता है guys. नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सच में गूगल पे आता है वेबसाइट, नाम वगैरह, फोटो सारा कुछ आता है, कुछ कुछ मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, आप देखिए। तो गूगल सर्च पे आ जाते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हूँ, तो जैसा कि आप मेरा नाम लिखोगे और मेरे सिटी का नाम लिखोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा गूगल सर्च पे। तो देखिए गाइज, ये मेरा पहले नंबर पे आ गया और आपको मेरा क्रिकेट प्रोफाइल मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल सर्च पे आपको मेरा वेबसाइट कैसे मिलेगा। तो आप फिर से आते हैं गूगल सर्च पे, आप यहाँ पर मेरे चैनल का नाम सर्च करिए। देखिए, आप मेरे चैनल का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे, इन्फॉर्मेटिव महेश आप जैसे लिख दिए यहाँ पे। सो गाइज देखिए, लोड होगा और देखिए पहले ही नंबर पे आपको पहले ही वेबसाइट में मेरा मिल जाएगा गाइज। तो देखिए मेरा चैनल मिला आपको, तो गाइज ऐसे मेरा आपको गूगल में प्रोफाइल और वेबसाइट मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गूगल इमेज में आपको कैसे मिलूंगा। तो गूगल सर्च में आप जाके यहाँ पर जैसे लिखेंगे, क्योंकि गाइज मेरा न्यूज़पेपर में अक्सर फोटो आता रहता है, और जिन लोगों का भी न्यूज़पेपर में फोटो आता है तो उसका गूगल इमेज में भी फोटो मिल जाता है गाइज। तो देखिए आपको मेरा भी फोटो गूगल इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, तो जैसा गाइस 4-5 फोटो मेरा गूगल इमेज में आपको मिलता ही रहेगा, मिल जाता है, क्योंकि मेरा न्यूज़पेपर में फोटो आते रहता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मुझे भी ब्लू टिक मिल जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अभी ब्लू टिक नहीं मिलेगा क्योंकि मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। जी हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे जरूर ब्लू टिक मिल जाए, आइदर मैं एक बड़ा क्रिकेटर बन जाऊँ तो मुझे मिल सकता है, या फिर मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ तो मुझे मिल सकता है ब्लू टिक। तो जैसा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, और आगे चल के अगर मैंने अपना नाम कमाया, मैंने अपना फेम बना लिया, तो मुझे डेफिनेटली ब्लू टिक मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ ब्लू टिक के लिए भी परेशान नहीं हूँ, अगर फ्यूचर में मैं डिजर्व करूँगा ब्लू टिक तो मुझे डेफिनेटली मिल ही जाएगा।
सो आप लोग सोच रहे हो गूगल पे तो हम आते ही, तो हो सकता है कि मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गूगल पे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गूगल पे आप आ गए तो आपको ब्लूटिक मिल जाएगा, आपको आपका आर्टिकल्स वगैरह आना चाहिए गूगल में, आपका प्रॉपर एक आपका, जैसे कि आप लोग ने देखा कि मैंने अपना नाम के साथ सिटी लिखा तब मेरा आया, जिस दिन मैं अपने सिर्फ नाम लिखूंगा अगर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा गूगल पर तो उस दिन मुझे मिल जाएगा गाइस। तो ऐसा है कि गूगल पे अगर आपका नाम सर्च करें तो आपका गूगल में आर्टिकल्स वगैरह आ रहा हो तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम ब्लू टिक क्यों दिया जाता है कोई इंसान को। तो जैसे कि किसी इंसान का बहुत ज़्यादा फेम हो जाता है तो क्या होता है कि उस इंसान का फैन भी बन जाता है और हेटर्स भी बनता है। तो फैन लोग फैन पेज का अकाउंट बनाते हैं, हेटर्स लोग फेक अकाउंट बनाते हैं। तो फिर होता है क्या कि कोई भी अगर सर्च करता है तो बहुत सारा अकाउंट दिख जाता है। तो जब ब्लू टिक दे दिया जाता है कोई प्रोफेशनल आदमी को तो होता है क्या कि अगर कोई इंसान उसे सर्च करेगा तो उसे दिख जाएगा कि हाँ रियल अकाउंट यही है, तो जाके वो उसको फॉलो करेगा। मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा कि आपको इंस्टाग्राम ब्लू टिक के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए मैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ चुका हूँ। अब देखिए राइट में जो थ्री डॉट है उसमें टच करिए, वहाँ पर मैंने टच कर दिया। देखिए अब यहाँ पर खुलेगा, देखिए खुला। अब यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में गए, अब नीचे आना है अकाउंट में। अब यहाँ पर जाना है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन में जाइए। देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पर मांगा हुआ, सारा क्लियर दिया हुआ गाइज। आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन फिल करिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, जो भी आर्टिकल URL सब मांग रहा हो सब अपलोड करिए आप। इंस्टाग्राम 15-20 दिन लेगा। अगर आप फेमस पर्सनैलिटी हो, अगर आपका गूगल वगैरह में सब कुछ आता है क्लियरली, तो आपको जरूर ब्लू टिक मिलेगा। इंस्टाग्राम वेरीफाई करेगा कि आप फेमस पर्सनैलिटी हो कि नहीं। इंस्टाग्राम ज़्यादा 15-20 दिन टाइम लेगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ब्लू टिक मिल जाएगा। आपको किसी के थ्रू ब्लू टिक के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ब्लू टिक के लिए। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया और आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। सो गाइज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मिलता है और आगे भी आपको मिलता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सपोर्ट करिए भाई को। सो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।